स्वर्ग तारा जुनाली रात को सुन लो, हो को सुन लो यू मेरी बात। आप नहाकर आ गए? हाँ। गैस के ऊपर चाय रखी वो ले लो, और हाँ नाश्ता तैयार हो रहा है, रात की रोटी मत खा लेना। कल की रोटी मैं नहीं। अरे कुत्तों को खिला देती हूँ हमेशा, ज्यादा इतराइए मत, मैं भी खाती हूँ। अच्छा। अरे काली मिर्च कहाँ है? आपकी जुबान पर है, चाय में मत डालिएगा ज्यादा हो जाएगी। वहाँ लाल डब्बी में रखी है। वैसे इतना खाना बराती क्यों हो? ताकि तुम्हें ठूस ठूस कर खिला सकूं। राजीव का फोन आया था, बात कर लेना उससे। कब आ रहा है वो? होली के आसपास आने के लिए बोल रहा था। डबोला वनवास से लौट रहा है क्या? उससे बोलो जल्दी आ जाएगा। कैसे हो आप? वो हालचाल पूछ रहे हैं आपके, अनमोल के, और आप हो कि टॉन्ट मार रहे हो। आपकी पेंशन आ गई होगी आज? पेंशन की तारीख बराबर याद रहती है, आ जाऊंगा। मुझे 5,000 रुपये दे देना। 5,000? इतने क्यों? अरे घर के खर्च के लिए, सब्जी वगैरह का खर्चा है, मेरी शुगर की दवाई है, और छोटे मोटे खर्चे होते हैं। आधे से ज़्यादा खर्चे तो मैं करता हूँ, सारे बिल मैं देता हूँ, बिजली का, पानी का, टेलीफोन का। तो उसके अलावा भी तो खर्चे होते हैं, अनमोल है छोटा, पूरी जिंदगी ऐसी निकाल दी, अब बुढ़ापा भी ऐसे ही जाएगा क्या? दादा दादा आप क्या कर रहे हो? अरे 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 उठ गया मेरा बच्चा, आजा बैठ जा। तेरा घोंचू साफ कर रहा हूँ। घोंचू? और ये तो बार बार रटक जाता है, छोड़ो इसे। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जिसने जिंदगी भर आपका साथ दिया हो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ते, तू नहीं समझेगा अभी। ले तू टॉफी खा। अनमोल ब्रश करो पहले, दांत में कीड़े लग जाएंगे, स्कूल में सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे कि देखो कैसा बच्चा है ना। चलो चलो ब्रश करो, और आप भी पहले नाश्ता कर लो, ये बाद में कर लेना। उड़ जब जब जुल्फे तेरी, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, अरे कमी चली हुई है दूसरी पहन लो। तो क्या हुआ, हल्की सी बाजू ही तो जली हुई है, और बाजू कौन देखता है? कल सब्जी वाला भी बोल रहा था, ये आदमी आपके यहाँ काम करते हैं क्या? उससे कहो अपना काम धंधा छोड़ के यही कर ले कि किस आदमी ने क्या पहना है, किस औरत ने क्या पहना है। तो गलत क्या कह रहा था वो? कपड़ों से नहीं, आपकी हरकतों से आपकी पहचान होती है। जो बर्तन खाली होते हैं वही बचते हैं। अरे अब ये सब छोड़ो, होली आ रही है, अपने लिए एक नया पेंट बुशर्ट बनवा लो। राजीव आ तो रहा है ना होली पर, उसकी कोई पेंट कमीज ले लूंगा। क्यों खर्च करना फालतू में? अरे तो नए ले लो या सिलवा लो, कपड़ों के पीस रखे हुए हैं। अरे भाई सिलाई कितनी महंगी हो गई है पता है, और क्या करना है मैंने इतने कपड़ों का, दिवाली पर सिलवा लूंगा। इतने कंजूस क्यों हो? त्योहार है और हर मौके पर, हर तीज त्योहार पर तुम यही बोलते हो। बस अब फिर शुरू मत हो जाना हमेशा की तरह से। अब नहीं झेल पा रही हूँ तुम्हें इस बुढ़ापे में, गाड़ी खड़ी रहती है, धूप में स्कूटर में घूमते रहते हो, सच क्या गए हो तुम?
ना राजीव की बात पल्ले पड़ती है और ना मेरी। पूरा जीवन ऐसे ही काट दिया कंजूसी ने। अनमोल खाना खा पहले। सुनो खाना खाओ अनमोल पहले। आज तो अनमोल के कितने सारे खिलौने आए हैं। चल खाना खाओ, बहुत सारे खिलौने आए। हाँ क्या कह रहे थे? वो कमीजों के कपड़े निकाल देना, कल दर्जी को नाप दे आऊंगा। निकाल कर कमरे में रख देना। अरे वाह, चलो कुछ तो फायदा हुआ आज की बातों का। एक रोटी और ले लो। रहने दो, कुत्तों के लिए रख दो। सुधी अनमोल रात बहुत हो गई है, सो जा। चाय लाई हूँ, उठ जाइए। चाय ठंडी हो रही है। क्या मजाक है, मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी चाय। आप उठ क्यों नहीं रहे? चाय लाई हूँ, उठ जाइए। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? उठिए जरा,
आंखें खोलिए। उठिए ना, उठिए। मैं अपनी इच्छाओं को रिहा कर रहा हूँ, इन ख्वाबों की गलियों को तन्हा कर रहा हूँ, मैं खुद को खुद से मुजारत कर रहा हूँ, मैं अपने हमसफर को रिहा कर रहा हूँ। मैं जो हूँ वो नहीं जो वो मुझको समझ बैठे, मैं वो हूँ जो हंसकर यूं ही गम भुला बैठे। इन ख्वाबों की गलियों से मेरा वक्त रिहा हो गया, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, कुछ मैं अधूरा रह गया। इन ख्वाबों की गलियों से मेरा वक्त रिहा हो गया।